प्रणाम गुरु माँ मेरे हिसाब से ज्ञान की कीमत सबसे ज्यादा है हम्म बहुत अच्छे नेक्स्ट नमस्कार गुरुदेव मेरे अकॉर्डिंगली जिंदगी में सोच सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम कंडीशन को किसी भी सर्कमस्टांसिस को कैसे पकड़ते हैं और कैसे उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके बाद कैसे बिहेव करते हैं वो सबसे ज्यादा जी नेक्स्ट प्रणाम मेरे हिसाब से लोग बड़ों का प्यार और आशीर्वाद ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट। प्रणाम गुरु हमें हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और बिहेवियर नेचर अच्छा होना और संस्कार अच्छे मिलना hmm, hmm. रे अकॉर्डिंग टू मी प्यार होना चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरा आई हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल बट पेरेंट्स इज ऑलवेज बिजी इन मिनटिंग मनी ऑब्वियसली फॉर मी एंड लोन आई डोंट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर बट समाइम्स आई फील सो लोनली दैट नो बडी इज माइंड इवन वेन आई विज ए नाइन्थ आई फील दैट ये सारे रिश्ते नाते सब खोखले हैं एंड वेन आई डिस्कस विद माई मदर मदर सेट है मैड

प्रणाम गुरु माँ मेरे हिसाब से हम अपने से लेस अनफॉर्चुनेट लेस फॉर्चुनेट लोगों से कैसे बिहेव करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है hmm. hmm. प्रणाम गुरुदेव आई थिंक लव सिक्योरिटी एंड विजडम दीज आर थिंग्स गुड नेक्स्ट प्रणाम गुरु मां मेरे हिसाब से मेरे आइडियल्स और आदर्श सबसे ज़रूरी हैं hmm. प्रणाम गुरुमा मेरे को लगता है कि हमारी जिंदगी में समय सबसे ज़्यादा कीमती है बहुत अच्छे बहुत अच्छे आगे ले आइए सुशील, इसके बाद फिर आगे आ जाना प्रणाम गुरुमा अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक एवरी ब्रेथ वी टेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो मेरे अकॉर्डिंग गुरु के अकॉर्डिंग चलना और उनसे प्रेम करना सबसे इम्पोर्टेंट है इधर दीजिए ये दो मेरे हिसाब से गुरु का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है बहुत अच्छे जय गुरुदेव मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जरूरी संस्कार और शिष्टाचार है क्योंकि उसी के हिसाब से गुरु की बातें समझ आती है और बहुत अच्छे बहुत अच्छे नेक्स्ट इधर दीजिए प्रणाम गुरु मा मेरे हिसाब से लिविंग अ वैल्यू बेस्ड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड लाइफ गुड गुड प्रणाम गुरु मा अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दैट सेटिस्फैक्शन इन लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट रादर देन मिंटिंग मनी फॉर एवरीथिंग बहुत अच्छे चलिए अब अपने बात को मैं कहती हूँ एक चीज़ सबने तकरीबन बहुत ज़ोर से आती रही कॉमनली जो सबने कहा है कि ज़िंदगी में जिंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है ज़िंदगी में जो हम श्वास जी रहे हैं जो श्वास ले रहे हैं ये श्वास बहुत कीमती है जिंदगी होगी तो सब कुछ होगा आइडियल्स विचार संस्कार शिष्टाचार दूसरों को कैसे हम व्यवहार देंगे ये सब चीज़ें उसके बाद आती सबसे पहले जो कीमती चीज़ है वो ये है द लाइफ इन इट्स ओन हमारा अपना जो जीवन है ये सबसे ज़्यादा कीमती है अब जिस जीवन को हम जी रहे हैं जिस शरीर के साथ हम अपने जीवन को जी रहे हैं उस शरीर को स्वस्थ रखना उस शरीर के सिस्टम्स को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए हमको योगाभ्यास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप स्वस्थ हैं अगर आप जीवित हैं तभी तो ज़िंदगी में कुछ और कर पाएंगे अगर आप रोगी हो जाते हैं अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं अगर कोई रोग आपको लग जाता है तो ऐसी स्थिति में पढ़ना लिखना सीखना गुरु के पास जाना संस्कार एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट इज नॉट पॉसिबल एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अन बींग हैज टू बी दैट इज कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी कीपिंग आवर बॉडी फिट एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज थ्रू योगासना आपने आज दो वीडियो देखे पहले आपने हमारा शरीर का जो स्केलीटन है वो किस तरह बना है मैं एक प्रश्न पूछती हूँ जिससे ये पता चलेगा आपने कितने ध्यान से उसको देखा था या नहीं देखा था हमारे शरीर में कितनी हड्डियां ओ वाह <laughs> सबको आता है जवाब दो सौ छह हड्डियां हैं जब आप लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हो और पिटाई करते हो तब सोचते हो कि कितनी हड्डियां टूट जाने की संभावना हो सकती है स्केलेटन के हमारे इस हड्डियों के ढांचे के ऊपर ही हमारी मांसपेशियां हैं इसी हड्डियों के ढांचे के अंदर ही हमारे सारे महत्वपूर्ण अंग हैं जिसे हमारी खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क का होना हमारे चेस्ट रिब केज के अंदर लंग्स का दिल का होना डायफ्रम का होना और हमारे इस पूरे शरीर का वज़न जिन हड्डियों पर पड़ रहा है जिस ढांचे पर पड़ रहा है उस ढांचे को मज़बूत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जैसे अगर मकान की नींव कमज़ोर हो तो बिल्डिंग टिक नहीं सकती है बिल्डिंग गिर जाएगी इसी तरह से अगर आपका बोन स्ट्रक्चर मज़बूत नहीं है तो आपका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हालत में जा सकता है एक बात मैं पूछना चाहती हूं अपनी कॉमन सेंस से या जब जितना आपने पढ़ा है या समझा है मुझे यह बताइए हड्डियां किस चीज से बनी होती हैं कैल्शियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट अब अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज व्हाट एल्स इज देयर फास्फोरस यस अच्छा कैल्शियम जो है ये हमको किस चीज से प्राप्त होता है शरीर की जो कैल्शियम का मिल्क बस खाली दूध से हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ फलों से फलों के नाम मत बोलने लग जाना <laughs> नाम लेने लग जाओगे तो सारा टाइम उसी में चला जाएगा तो बस फलों से दूध से इधर से आया अंडे और फिश से मिलता है और वेजिटेबल्स hmm. नहीं अभी अब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही अभी फूड इंटेक की बात हो रही है किस किस चीज से हमको कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है अच्छा तो अगर इतना जितना आपने अभी बोला है हम उतने ही भर को ले लें दूध से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जे हमें सबसे ज्यादा ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स से मिलता है फ्रूट से मिलता है नट्स से मिलता है तो दूध पीना अच्छा है कि एरेटेड ड्रिंक पीना अच्छा है पर आप जब पीने जाते हैं यहां कैंटीन में या स्कूल की कैंटीन में तो क्या पीने जाते हैं <laughs> वहां पर जाकर आप दूध तो नहीं मांगते मिलता नहीं है अच्छा आज खड़ा कीजिए कितने लोगों को कोल्ड ड्रिंक बड़ी पसंद आती है ठीक है और कितने लोगों को दूध बड़ा पसंद आता है तो बेटर कितने लोगों को दूध बहुत बुरा लगता है <laughs> ऐसे भी लोग हैं अच्छा एक आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलती हूं आप अपने घर में कर सकते हैं इसको आप में से किसी ने अपना जो दांत निकले थे संभाले हैं किसी ने क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उस दांत की जरूरत बहुत पड़ेगी है है दो चार लोगों के पास है बहुत अच्छी <laughs> बात है उन्होंने इसलिए संभाल लिए पता नहीं दोबारा नए उगे नहीं उगे वही फिक्स करा लेंगे हा क्या पता है ना न आए तो अगर आप दांत या मनुष्य के शरीर का जो बोन स्ट्रक्चर है इसका कोई हिस्सा किसी भी एरेटेड ड्रिंक में मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी भी एरेटेड ड्रिंक को आप एक बॉटल में उसकी बॉटल का ढक्कन खोलिए ह्यूमन टूथ अ पीस ऑफ अ ह्यूमन बोन और इवन अ पीस ऑफ एनिमल बोन आप उसमें डाल दीजिए एक महीना देखिए उसको बाहर निकालिए उसकी हालत देखिएगा क्या होगी गल जाएगा गल जाएगा हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वह सब हमारे स्टमक में जाता है और आज शाम को मैं चाहूंगी आपको जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी टोटल फंक्शनिंग का एक वीडियो जरूर दिखाएंगे ताकि आपको यह पता रहे तुम्हारा शरीर वही है जो तुम खाते हो आप एक गिलास दूध पीजिए और आप ए, एक एरटी ड्रिंक पीजिए रिजल्ट क्या होगा दूध पीते वा, पीने वाले लोगों के लिए उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी उनके वो जल्दी गंजे नहीं होंगे जितने गंजे आदमी तुमको दिख रहे हैं ना, इन्होंने दूध नहीं पिया है प्लस फोर्टी की जितनी महिलाओं के जिनके नी पेन और और फ्रैक्चर्स होते हैं या होता रहता है जितनी महिलाओं को इन लोगों ने दूध नहीं पिया है आज मैं जितनी इस एज ग्रुप की महिलाओं को देखती हूँ वो एक बात वो कहते अब समझ लगी है कि दूध पीना चाहिए था और हमने दूध पिया नहीं है अब हम पीते हैं पर डॉक्टर ये कहते हैं कि इस एज में वो लाभ नहीं हो सकता है जो लाभ आपको बचपने में दूध पीने पर मिल सकता था क्यों अभी हड्डियाँ ग्रो हो रही अट्ठारह साल की उम्र तक आपकी हड्डियाँ बढ़ रही ऐसे में अगर आप एरटी ड्रिंक्स पीते रहते हैं बढ़ेंगी क्या खोखली होने लग जाएंगी जैसे मकान की नींव अगर कमजोर हो तो पूरा मकान कमजोर होता है कभी भी गिर सकता है इसी तरह अगर हड्डियों का ढांचा आपका कमजोर है तो आपका पूरा शरीर कमजोर है इसलिए दिन में दो बार तीन बार दूध पीना बहुत अच्छी बात होती है। इससे आपका बोन की जो जो एनलार्जमेंट है बोन का जो बढ़ना है वो सही तरह से होगा और अगर उसके साथ साथ कुछ एक आसनों का मैं नाम लेने लगी हूँ अगर इन आसनों का आप अभ्यास करते हैं तो आप लंबे भी होंगे देखिए लंबाई जितनी संभवता हमारे डीएनए में है होगी तो उतनी ही लेकिन कम से कम उतनी तो हो जाए अगर हमारा आहार ठीक नहीं है अगर हम योगाभ्यास ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर में ठीक प्रकार से प्रोग्रेस नहीं होती है बोन स्ट्रक्चर ठीक से नहीं फैलता है आपने दूसरा वीडियो देखा दूसरा वीडियो था पिट्यूटरी ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी और पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर कहां से मिलता है और हाइपोथेलमस को ऑर्डर कहां से मिलता है और ब्रेन को ऑर्डर कहां से मिलता है huh? नहीं आपके ब्लड से आपके ब्लड से ब्लड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू ब्लड के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस हाइपोथेलमस करता है हाइपोथेलमस को हम कह सकते हैं इट इज द द डिस्क ऑफ द ब्रेन कंप्यूटर तो आपका डिस्क का जो फंक्शनिंग है वो टोटल कंप्यूटर की फंक्शनिंग के ऊपर निर्भर करता है जिनका जीबी कम हो जिनकी डिस्क की स्पेस कम हो उनका कंप्यूटर कभी भी ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं कर सकता है बहुत स्लो प्रोसेस हो जाती है इसी तरह आपके ब्रेन और आपकी बॉडी की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से नहीं चलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक तरह से चलाने के लिए भी हमें योग आसन और उसके साथ साथ दो चीज़ें और हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग को एनहांस करती हैं एक त्राटक ध्यान और दूसरी तीसरी चीज़ है मंत्र जप ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर चलता रहे फ्रॉम दी एज ऑफ एट एंड ऑनवर्ड्स अगर आप ये तीन चीजों का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी फिजिकल मेंटल और आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है पहले हम बात फिर करते हैं बोन स्ट्रक्चर की तो बोन स्ट्रक्चर को मजबूत रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोज आसना इज ट्री पोज जिसे हम कहते हैं ताड़ आसन ण आसन का अभ्यास करने पर आपकी लंबाई आपकी स्पाइनल स्ट्रेंथ आपके बोन स्ट्रक्चर को मजबूती मिलती है ताण आसन और दूसरा सूर्य नमस्कार आज सूर्य नमस्कार का पहला सेशन हुआ है सारे नाम याद हुए अभी के नहीं अभी नहीं हुए कोई बात नहीं अभी हमारे पास थोड़े दिन हैं लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है मैं चाहूंगी कि कल आप अपनी नोटबुक uh, साथ में चाहे रखिएगा या शाम की सिटिंग के समय पर एक बार वो आसनों की रेपिटिशन आपको हम फिर से करवा देंगे जिससे आप इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर जस्ट सिक्स नेम्स इट्स नॉट डिफिकल्ट छह नाम सिर्फ याद करने हैं और छह नाम के लिए आप बोलो हमें याद नहीं हो रहे हाँ अगर जो जो भाषा है जैसे जो पंजाबी मीडियम में पढ़ता आ रहा है जिसकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो उसको उत्तान पाद आसन तो वो कहेगा ये क्या हुआ पाद हस्त आसन ये क्या हुआ सिंपल सी बात हस्त मैंने हाथ पाद मैंने पाँव